नमस्कार, हेल्थ 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी झा। इस नए शो के जरिए हम कोशिश करने जा रहे हैं कि आपके स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम समस्याओं का हल अपने एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर निकाल सके। वैसे जिस तरीके से भारत सरकार स्वस्थ भारत की परिकल्पना कर रही है, उसी कड़ी में ये शो एक छोटा सा प्रयास है ताकि उसका आपको सीधा फायदा मिल सके। तो शुरुआत करते हैं ऐसी समस्या की जानकारी के साथ जिसने 2020 से अब तक दुनिया को अपनी जद में ले रखा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कोरोना की, जो फिर से रफ्तार में दिखाई दे रहा है। कोरोना के बढ़ते केस ने लोगों के मन में डर पैदा कर दिया है और कई सवाल भी। इसीलिए आज हमारे साथ तीन ऐसे जाने माने डॉक्टर जुड़े हैं जिन्होंने कोरोना पर काफी काम किया है। देश को सेहतमंद बनाने वाले शो में सबसे पहले इनका हम परिचय करा देते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, पूर्व निदेशक एम्स। ये वो व्यक्ति हैं जो कोरोना काल के मुश्किल वक्त में देश को सचेत करते नजर आए और कोरोना के नए और खतरनाक वेरिएंट से आगाह करते रहे। दूसरे डॉक्टर शेखर मांडे, पूर्व महानिदेशक CSIR। ये वो शख्स हैं जिन्होंने कोरोना काल में दवाइयों इक्विपमेंट्स पर सफल शोध किया और नए वेरिएंट पर जानकारी साझा करते नजर आए। और डॉक्टर समीर भाटी, डायरेक्टर स्टार इमेजिंग डायग्नोस्टिक सेंटर, वैक्सीन अवेयरनेस कमेटी के मेंबर रहे और कोरोना जैसी बीमारी में टेस्टिंग प्रक्रिया को लोगों के लिए आसान बनाने में मदद किया। हमारे साथ जुड़ चुके ये तीन डॉक्टर उन सवालों का जवाब देंगे जो कोरोना को लेकर इस वक्त जनता के मन में है। तो सबसे पहला सवाल, क्या फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है? दूसरा सवाल, क्या मास्क लगाने का वक्त आ गया है? तीसरा सवाल, अभी बच्चों को स्कूल भेजना कितना सही और कितना गलत रहेगा? चौथा सवाल, किन लक्षणों में कोरोना का टेस्ट कराया जाए? पांचवा सवाल, नए वेरिएंट XBB बुजुर्गों गर्भवती महिलाओं के लिए कितना घातक है? छठा सवाल, नए वेरिएंट से संक्रमितों पर वैक्सीन कितना असरदार दिख रहा है? सातवां सवाल, क्या अब कोरोना के वैक्सीन को अपडेट करने का समय आ गया है? आठवां सवाल, क्यों बूस्टर डोज लेने में हिचक रहे हैं लोग? नौवां सवाल है, कोरोना स्वाइन फ्लू और फ्लू में कैसे करें भेद, कैसे करें अंतर? और दसवां सवाल, क्या टेस्टिंग और बढ़ाने की इस वक्त जरूरत है? तो इन तमाम सवालों के साथ तो सबसे पहले मैं